ग्लेज के नाम से शुरू हुई थी और आज ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनीज है। विभाग इतने बड़े हो गए कि उनमें से कंपनियां निकल गई। ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी की एक कंपनी का नाम है गैलवे, जो हमारा ब्रांड है, जो हमारी आत्मा है। ग्लेज ग्रुप ऑफ कंपनी की दूसरी कंपनी का नाम है अनन्या हर्बल। आप जानते हैं अनन्या हर्बल के बारे में? अनन्या हर्बल की तारीफ क्या करूं, पूरे नॉर्थ इंडिया में इतना बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट प्रोडक्ट का हो नहीं सकता। चैलेंज है मेरा। कई सौ कर्मचारी उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आपके लिए विश्व स्तर के बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हैं। R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट। आज 165 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट हैं। कितने? 165 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट हैं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं वो हमारी फॉर्मुलेशन के प्रोडक्ट हैं, हमारे रिसर्च किए हुए प्रोडक्ट हैं। जो लोग छोटी मोटी कंपनीज खोल लेते हैं और आते दावे कितने बड़े बड़े होते हैं, 25,000 प्रोडक्ट, 2,500 प्रोडक्ट, 3,000 प्रोडक्ट। एक्चुअली 2,500-3,000 प्रोडक्ट नहीं होते, 2,500-3,000 लेबल होते हैं जो किसी पे भी चिपक जाते हैं, ठीक। लेकिन गैलवे के साथ ऐसा नहीं है। आपको फक्र करना चाहिए। आज हम 19 साल का उत्सव मना रहे हैं तो आज उत्सव के कारण जाने हैं। हमारा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जहां लगातार वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं। और आपको बताता हूं कि हमने कहा हमें ब्रांड बनाना है अपने प्रोडक्ट का, तो अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं वो बताते हैं आपको। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका एक बैच बनता है, यानी एक लॉट बनता है पूरा, जैसे 5,000 प्रोडक्ट का लॉट या 10,000 प्रोडक्ट का लॉट। जब वो लॉट बनता है तो उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये प्रोडक्ट 2.5 साल में एक्सपायर होगा, 3 साल में एक्सपायर होगा। तो हर लॉट में से कुछ प्रोडक्ट रैंडमली निकाल के रखे जाते हैं, जिनको हर थोड़े समय बाद बकायदा टेस्ट किया जाता है कि इनमें कोई कमी तो नहीं आ रही। अगर बाई चांस किसी लॉट में कमी आ जाए तो पूरी रिसर्च होती है कि कैसे आ गई। उस लॉट को वापस मंगा लिया जाता है गोदामों में से और रिसर्च की जाती है कि दोबारा ये कमी ना आए। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी। इस पे एक लंबा चौड़ा खर्चा होता है। इसको बोलते हैं सैंपल बैंकिंग, यानी अपने सैंपल को बैंक करना। अब सोचो कितना बड़ा एरिया होगा जहां हर लॉट के प्रोडक्ट इकट्ठे हुए जा रहे हैं और उनको 2.5-3 साल तक रखना है, लगातार चेक करना है, क्योंकि हमने कस्टमर को वायदा किया है कि ये 2.5 साल तक खराब नहीं होगा। तो अपने प्रोडक्ट की जिम्मेदारी लेनी, ऐसा ब्रांड बनाना ताकि कल आप किसी को प्रोडक्ट दें तो आपको वो कहे भाई साहब प्रोडक्ट बहुत कमाल का है। 2 रुपए महंगा चलेगा, टाटा है जी, 2 रुपए महंगा चलेगा, लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, दूसरी बात, आप कोई अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट आज ले लें, 10 साल बाद ले लें, आपको क्वालिटी हमेशा अच्छी मिलती है कि नहीं मिलती है? नहीं ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए यह करना पड़ता है कि आपके जो प्रोसीजर हैं बनाने के, जो प्रोसेस हैं, वो स्टैंडर्ड होने चाहिए।